का आज मुहूर्त होने वाला है ना, मुहूर्त होने वाले को क्या कहना चाहेंगे? संगीत आपका है, पहले भी आपने जो फिल्म में संगीत दिया काफी हिट हुआ, किस तरह का संगीत होगा, कौन से गायक गायिका होंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी था। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज ये फिल्म का जो मुहूर्त है, उस फिल्म का नाम है जान लेबू का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोस्टर में, दिनेश जी और अक्षरा जी लीड कर रही हैं, और हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर दिनकर जी के साथ मैं पहली बार कर रहा हूँ, और इसके निर्माता हैं श्रेय जी, और बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा गाना बन रहा है। मैं और पूरी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आज एक गाना से शायद हम मुहूर्त करेंगे, आज तो मुहूर्त के बाद एक गाना शायद अक्षरा जी गाएंगे या दिनेश जी गाएंगे, दोनों में से कोई, तो बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कहना चाहता हूँ कि दिनेश जी के पास में जो भी काम किए हैं, अक्षरा जी काफ़ी हिट हुआ है फिल्म, और अक्षरा सिंगर के तौर पे भी काफ़ी हिट हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म में उनका उनके द्वारा गायकी क्या कितना फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा कर रही हैं अभी, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दो तीन गाने वो खुद गाएँ, और तो बाकी मार्केट के सारे सिंगर रहेंगे, लेकिन उनके हिसाब का जो दो तीन गाना रहेगा हम डेफिनेटली चाहेंगे कि गाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रही हैं। और मैंने पिछले अभी हमारी फिल्म शुभ घड़ी आयो का आज ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें भी मैंने उनसे एक दो गाने गवाए थे, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो किस तरह बेसिकली सिचुएशन ज़्यादातर कैसा होगा, कितने सारे गाने होंगे, सिचुएशन क्या होगा ज़्यादातर? नहीं, सारे बहुत कॉमर्शियल सिचुएशन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फिल्म का, कॉमेडी और कॉमेडी अचानक सीरियसनेस पे फिल्म आ जाती है और बहुत सीरियस हो जाती है फिल्म। इट्स वेरी बहुत क्लास की फिल्म है, और मुझे जो सिचुएशन मिले हैं मुझे लगता है कि उस सिचुएशन के 90% बहुत कमर्शियल हैं, और बहुत धमाल सॉन्ग सुनने को मिलेंगे ऐसा लगता है मुझे। तो ये बताइए, काफ़ी दिनों से संगीत दे रहे हैं भोजपुरी फिल्मों, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है आजकल के दौर में, या क्या अलग करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से आप? नहीं, अलग करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग, बेहिचक आप हमारी बहुत सारी फिल्मों में, हम सब लोग कर रहे हैं, भोजपुरी के सब लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे रंग ज़रूर लेके आएगी ये कोशिश। और अगर ये संदर्भ में बोलते हैं कुछ लोग कि म्यूज़िक अच्छा नहीं है, ख़राब है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि म्यूज़िक कभी ख़राब हो रहा है, तरीका बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, जैसे लोगों की पसंद है हम वैसे करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ज़्यादा पुराने ऑर्केस्ट्रा को नहीं लेके आ रहे हैं, जब ऐसा वक्त आएगा तो हम वापस उसमें आएंगे, बट अभी जो पब्लिक को चाहिए होती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी को, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा जहाँ बजता है गाना, वो मुझे बहुत हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है कि अल्टीमेटली गाना बजना कहाँ है, जिस जगह पे बजेगा उसका साउंड डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस जगह को सूट करे और गाना हमारा चले। तो जो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं कुछ तो गाते हैं भोजपुरी फिल्म में, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी गाते हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि साउथ में गाते हैं, हर जगह गाते हैं, भोजपुरी फिल्म नहीं, क्या उनको ये उनकी सोच हो सकती है। वैसे बॉलीवुड के बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाए हैं, आप अगर नाम जुड़ाओ तो काफ़ी हैं मशहूर जो टॉप पे हैं, हमारे उदित जी गाए हैं, कुमार शानू जी गाए हैं, अलका जी गाई हैं, अनुराधा जी गाई हैं, आशा जी गाई, किसने नहीं गाया? तो अगर कोई अगर एक दो लोग अगर वाइड करना चाह रहे हैं तो मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहता, बट ये अच्छा नहीं है, गाना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक तो म्यूजिक है। उदित नारायण जी कहते हैं कि आजकल भोजपुरी के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनसे गाना नहीं गवा रहे हैं, तो क्या आप कभी उनको याद नहीं करते हैं कि कुछ अलग? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उनको याद किए बगैर तो रह ही नहीं सकते, उनके हिसाब का उनके मिजाज का गाना थोड़ा बनना कम हुआ है। एक्चुअली बात यह है, अब भी जब भी मेलोडी की बात आती है तो उदित जी से बढ़िया ऑप्शन हमारे पास कभी नहीं होता, ये तो सच्चाई है। तो जब भी हमने बेटा में बहुत सारी फिल्मों में मैंने उदित जी के साथ किया है, हाँ कम ज़रूर हुआ है, क्योंकि थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है पब्लिकली, बाकी उदित जी को भूल के तो कुछ कर नहीं सकते। पानीपुरी का टेस्ट चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट। अच्छा, फिल्म में दिनेश जी और अक्षरा जी काफी टाइम के बाद साथ में आएंगे, तो लीड में दोनों एक साथ नहीं आए हैं, हर हाँ। फिल्म में कहीं ना कहीं अमरपाली जी रहती है, लेकिन इस फिल्म में अमरपाली जी नहीं है, सिर्फ अक्षरा जी नजर आ रही है, तो दोनों की जोड़ी के लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगेगा, अमरपाली जी के साथ जोड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रहती है, बट ये एक नया मसाला मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की जोड़ी को भी लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी वैसा है, मैंने फिल्म की कहानी पढ़ी है और उसके हिसाब से गाना बना रहा हूँ, इस हिसाब से मैं बोल पा रहा हूँ। थैंक यू सर।